भारत के रक्षा मंत्रालय ने हल्के युद्ध के टैंकों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसे आसानी से चीन के साथ सीमा के निकट पहाड़ी सीमा तक हवा में उठाया जा सकता है। भारतीय सेना को 25 टन तक की एक हल्की टैंक की आवश्यकताएं तैयार करने के लिए कहा गया है। यह विकास तिब्बती पठार में चीन द्वारा 35 टन शिंकिंगटन लाइट टैंक के हालिया परीक्षण के प्रकाश में देखा जा सकता है। यह चौथी पीढ़ी के युद्ध क्षमता को हासिल करने के लिए भारतीय सेना द्वारा तैयार की जाने वाली तैयारी के अलावा भी है। चीन की सीमा पर टैंकों के परिवहन और संचालन के लिए दो समस्याएं हैं। सबसे पहले सड़क वर्गीकरण, जो सड़क ढांचे की लोड क्षमता है, इस प्रकार खराब है ताकि भारी टैंक TRIN-72 अर्जुन और TRIN-90 की तैनाती को रोक दिया जा सके। दूसरे, शोषण के लिए उपलब्ध स्थान कुछ हद तक भी सीमित है। एक निवृत्त ब्रिगेडियर राहुल भोसले और दिल्ली के रक्षा विश्लेषक ने स्पुतनिक से कहा, 73 दिन के डोकलाम के दौरान भारत के 12,000 सैनिक, पीएलए से अधिक 150 सैनिक, टैंक और तोपखाने बंदूकें कथित तौर पर शामिल थी। बीजिंग ने भारतीय सीमा के निकट टैंकों को जल्दी से स्थानांतरित करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की थी। इसने अपनी 8 वर्षीय योजना को पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय सेना को मजबूर कर दिया है, जो तकनीकी आवश्यकता पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद 2009 में समाप्त हो गया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक प्रस्तावित लाइट टैंक 3,000 मीटर से ज्यादा हिमालय इलाके की ऊंचाई पर काम करने में सक्षम होगा। भोसले ने बताया, एक हल्के टैंक को 20-25 टन होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आवश्यक बख्तरबंद सुरक्षा और गोलाबारी क्षमता भी संचालन उपयोगिता होनी चाहिए। भोसले ने समझाया, भारत के सरकारी स्वामित्व वाली रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO एक लाइट टैंक विकसित कर रहा था। यदि इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया है तो भारत स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर प्रकाश टैंक का निर्माण करेगा। हालांकि अगर भारतीय सेना एक जरूरी अनुरोध भेजती है तो इस तरह के टैंक रूस से खरीदे जाने की संभावना है, क्योंकि भारत पहले ही रूस के 2S-25M स्पटरट SDM में दिलचस्पी दिखा रहा है, जो BMD-4M की तकनीक का उपयोग कर हवाई जहाज पर आधारित है और इसमें आग नियंत्रण है। T-90MS मुख्य युद्धक टैंक के तत्व।